नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। दौसा के सिकराय में कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री ममता भूपेश के नेतृत्व में कड़ी की कोठी घूमना से पदयात्रा शुरू की गई और जिसमें राज्य मंत्री ममता भूपेश के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने भाग लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ममता भूपेश ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र कृषि कानून किसान विरोधी है और इन्हें बिना देरी किए वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का किसान 40 दिन से अधिक समय से सड़कों पर पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार को उनकी कोई परवाह नहीं है। ममता भूपेश ने कहा कि यात्रा किसानों के समर्थन में निकाली गई है। देखिए, किसानों के विरोध में हम लोग, जो केंद्र सरकार काले कानून लेकर आई है उनके विरोध में आज हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र में। लगातार 6 दिन तक हमारी कार्यकर्ताओं की पदयात्रा जारी रहेगी। किसानों के समर्थन में हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि ये जबरन जो कानून थोपे जा रहे हैं इनको वापस ले और किसानों के सम्मान के साथ उनको अपना घर भेजे। मैडम, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, क्या मानती हैं क्यों? देखिए, वार्ता सिर्फ दिखावा है, अगर वो करना चाहें तो 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारा अन्नदाता जिसने हमारा पेट भरा है, जो हिंदुस्तान की जनता को ध्यान रख रहा है, वो आज भूखा प्यासा सड़कों पे लाखों करोड़ों की संख्या में पड़े हुए हैं लोग, लेकिन केंद्र सरकार के जू नहीं रेंगरी। ये जो आडंबर दिखा रहे हैं वार्ता का, इस आडंबर को बंद करें और ये कानूनों को वापस लेने का नियम पारित हनुमान। अब खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां बामनवास विधायक इंदिरा मीणा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं और इस दौरान किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत उन्होंने पीपलवाड़ा, बागडोली, थडौली और गंगवाड़ा सहित कई गांवों का दौरा किया। विधायक ने किसानों से संवाद भी किया और कृषि कानूनों के दुष्परिणामों की जानकारी भी दी। आज का जो दौरा है बोली तहसील का, हमने 5 दिवस का दौरा बनाया है और इसमें हमारा पूरा बोली तहसील करीब करीब कवर हो जाएगा, क्योंकि 25 ग्राम पंचायत है और हमने सारी 25 ग्राम पंचायतें क्रमवार ले ली है। इसके बाद सरकार की, हमारी राज्य सरकार की तरफ से आदेश जो मिला है हमको, हमने 1 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया है जयपुर के अंदर और किसान बचाओ देश बचाओ के नाम से धरना प्रदर्शन रहा। उसी के बाद में उसी तर्ज पर हम पूरे क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर 11 तारीख के बाद में हमारा बामनवास का दौरा रहेगा 11 तारीख से। कृषि कानूनों का विरोध देश भर में तेज होता नजर आ रहा है और इसी के तहत यहां सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर और अनूपगढ़ में भी इस दौरान किसान संगठनों ने कानूनों को रद्द न करने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दी। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर है किसानों के ट्रैक्टर रैली की और दूसरी तस्वीर अनूपगढ़ की, जहां मार्च निकाला जा रहा है, ट्रैक्टर मार्च। कृषि कानूनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। मंत्री सालेह मोहम्मद बुधवार को जैसलमेर के नाचना पहुंचे और यहां नाचना किला चौक में किसान संवाद और जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री सालेह मोहम्मद ने किसानों से संवाद किया और साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
खबर राजधानी के जमवा रामगढ़ से है, जहां विधायक गोपाल लाल मीणा ने किसान आंदोलन रैली का शुभारंभ किया। और इस दौरान विधायक मीणा ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम पंचायत सायपुर चावंडमंड लागड़ियावास राहुरी सहित दर्जनों गांवों में किसान आंदोलन रैली के जरिए नए कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी किसानों की इस निर्णायक लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। मोदी सरकार इन कानूनों के माध्यम से एमएसपी समाप्ति का षड्यंत्र रच रही है। वहीं मीणा ने विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए अपने क्षेत्र में 5 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध देश भर में हो रहा है। वहीं राजस्थान बॉर्डर पर इन कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। और ऐसे में किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए दुदुकी नारी शक्ति शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंची। और वहीं खाजूवाला से कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल भी अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन को मजबूती देने पहुंचे। इधर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जयपुर से रवाना हुई साइकिल रैली भी राजस्थान बॉर्डर पर पहुंची, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव, कामरेड अमराराम घड़साना, पूर्व विधायक पवन दुग्गल समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदेश में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के बाद कई हिस्सों से लगातार पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। जोधपुर के फलौदी में भी मृत कौवों की सूचना मिली और शहर के जोशियां और गुचियों की बगीची में तकरीबन 15 से 20 कौवों के मृत होने की सूचना प्रशासन को दी गई। इसके बाद वहां पशु चिकित्सा प्रभारी और नगर पालिका से जुड़े अधिकारी पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर उनके सैंपल जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। 2 दिन पहले भी आंवला गांव में करीब 4 कौवे मृत पाए गए थे। मामला जांच आने के बाद पता चलेगा, इसके लिए हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और पूरी सावधानी के साथ सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पीपीई किट के साथ हम सैंपल करेंगे। हो सकता है बर्ड फ्लू भी हो या कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए सावधानी रखते हुए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और जनमानस की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनको सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। जिनको भी ये सूचना मिले कि कौवे मृत पाए गए हैं तो वो उनसे दूर रहें, और पब्लिक से भी निवेदन है कि जहां भी मृत पक्षी पाए जाते हैं तो उनकी सूचना निकटतम पशु चिकित्सालय में या प्रशासन को हो सके या वन विभाग को दी जाए, जिससे वो तुरंत कार्रवाई के लिए हाजिर रहें और इनका सैंपल हम लेबोरेटरी में भेज रहे हैं। बांसवाड़ा के लोधा गांव में 10 ब्लैक आइबिस पक्षी मृत मिलने से हड़कंप मच गया और इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग, पशुपालन विभाग और वागड़ पर्यावरण सेवा संस्थान की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पशुपालन टीम का ये कहना है कि मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं है। टीमें फॉरेस्ट की काम कर रही है, हमारे सारे फील्ड स्टाफ जो वन नाके हैं, वन सुरक्षा समिति हैं, उनके सदस्य हैं, सभी लोगों को हमने इसके लिए जागरूक किया है। सब लोग बराबर वाटर बॉडीज जो हमारे यहाँ है उन्हीं सब पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने ग्रामवासियों और सभी को, यहाँ की जनता को, सबको इसके लिए हमने निवेदन कर रखा है कि अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ कहीं कोई ऐसा नज़र आता है कि कोई पक्षी की अगर डेथ होती है या ऐसा कोई होता है तो आप हमें तुरंत सूचना करें। हमारे उच्च कार्यालय जो वन मंडल बांसवाड़ा से DFO साहब ने भी इसके लिए सभी को निवेदन किया है कि इस प्रकार से कोई भी चीज हो तो हमें सूचना प्रदान करें। जालौर में कोरोना संक्रमण के बाद अब नए खतरे की आशंका मंडरा रही है। आखोली और आडवाड़ा गांव में 29 कौवों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया और ऐसे में विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत कौवों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब भिजवाए। इधर वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
अब खबर 12 के छिपा बड़ौद से है, जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू की बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां मृत पक्षियों का मिलना भी लगातार जारी है और पुराने छबड़ा रोड पर भी एक दर्जन से अधिक पक्षी मृत मिले हैं। फिलहाल पशुपालन विभाग ने पक्षियों के सैंपल भोपाल लैब में भेजे हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता लग पाएगा। वहीं बर्ड फ्लू के चलते वन विभाग की टीम भी सक्रिय है। चूरू के सुजानगढ़ में धा गांव के पास एक ट्रेलर ने लापरवाही से चलाते हुए हैदराबाद जा रही कार को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रेलर ने एक ट्रक को भी टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है और घटना पालड़ी गांव की है, जहां भरत कुमावत ने एक तरफा प्यार के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी भरत कुमावत धूलदास की दोहिती से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, और इसी के चलते वो धूलदास के घर पहुंच गया और युवती को अपने साथ ले जाने लगा और इस दौरान आरोपी का विरोध करने पर उसने धूलदास की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खबर राजसमंद के भीम से है, जहां नेशनल हाईवे 8 पर बरार भोजातों का वास में एक बेकाबू कार ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे ब्यावर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के रामगढ़ में एक व्यक्ति का शव मिला है। घटना बरवाड़ा गांव की है, जहां कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला है। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया और साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त बरवाड़ा निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है और गुरदीप सिंह 5 दिनों से घर से गायब था। गुरदीप सिंह के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लंगाने पर एक व्यक्ति की लाश कुएं में पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, लाश को कुएं से बाहर निकाला गया तो ये लाश गुरदीप सिंह की थी, जो 1 तारीख से घर से लापता था। इस पर लाश को पोस्टमार्टम हेतु CSC रामनगर में रखवाया गया और जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। इस संबंध में श्याम सिंह ने पैर दे दिए मुझे, गांव के रेशम सिंह, बगदा सिंह, बलवंत सिंह ऐसा कहे कि इन लोगों ने मेरे पापा को मारा। पाली जिले के डेंडा गांव में अज्ञात हमलावरों ने हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह राजपूत समेत 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और मामले की सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मनिहारी गांव निवासी हिस्ट्री शीटर जब्बर सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ डेंडा गांव में अपनी माइंस पर जा रहा था, तभी वहां पहले से हमलावरों ने जब्बर सिंह पर हमला कर दिया। इस हमले में जब्बर सिंह सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां नशे में धुत कार सवार बदमाशों ने मंदिर के पुजारी से मारपीट कर दी, जिससे पुजारी रामधन शर्मा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। घायल पुजारी को चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में लूटपाट के इरादे से बदमाश मंदिर पहुंचे थे और ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने 3 में से 2 युवकों को दबोच लिया, वहीं एक युवक मौके से भाग निकला। सूचना कर मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है।
खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां भुनिया गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला होने पर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। हमारे प्रधानाचार्य जी का स्तंत्र हो रहा है। अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं सभी बच्चे प्रधानाचार्य जी का स्तंत्र नहीं हो, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल आने से बहुत सारा स्कूल का विकास हुआ है। स्कूल के क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। अच्छा। जब से यहाँ प्रिंसिपल आए है ना, उसके बाद पास वाले प्राइवेट स्कूल है ना, उसके बच्चे सभी इस स्कूल में दाखिल हो गए हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई अच्छी थी। पढ़ाई अच्छी होने के कारण सभी बच्चे इस स्कूल में आ गए हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। प्रिंसिपल आने के बाद में ये सब हुआ, पहले इस स्कूल में कुछ नहीं ऐसा विकास हुआ था। ठीक। खबर बांदीकुई के बदियाल कलां से है, जहां बिजली कटौती की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बदियाल कलां के जीएसएस पर प्रदर्शन किया और जेएन भीमराव बैरवा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बदियाल धांधलाई सहित कई गांव में बिजली की अघोषित कटौती के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने बिजली कटौती बंद कर सप्लाई नियमित करने की मांग की है और इस मौके पर ग्रामीणों ने उप तहसीलदार महेश शर्मा को भी एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और शीघ्र मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान छुट्टनलाल, देवी सहाय, भंवर सिंह मेडी, लक्की, कमलकांत आदि मौजूद रहे। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां ग्राम पंचायत पालड़ी एम में ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला गर्माता जा रहा है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के बुहाना में सीएचसी में स्टाफ की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच दशरथ सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीएचसी में धरना प्रदर्शन किया और ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों की कमी के चलते मरीजों को चिकित्सकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीएचसी में करीब 30 गांव के लोग उपचार के लिए आते हैं और ऐसे में सीएचसी में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां नोवी ग्राम पंचायत में सरपंच चंदा देवी राठौड़ और उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में ग्राम विकास अधिकारी निम्बारा मीणा समेत सभी वार्ड पंच मौजूद रहे और साथ ही इस बैठक में गांव के विभिन्न समस्याओं को लेकर कई प्रस्ताव लिए गए, जिसमें सफाई व्यवस्था, नाली निर्माण, अवैध अतिक्रमण हटाने जैसे प्रस्तावों को उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने का प्रस्ताव पारित किया और इसके अलावा बैठक में दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खबर नागौर के मेरता से है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार देवाकर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ. सुशील कुमार देवाकर ने बताया कि नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मेहराम महिया के निर्देश पर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
अब खबर जोधपुर के भोपालगढ़ से है, जहां प्याज फसल रोपाई का कार्य जोरों पर है। वहीं कृषि पर्यवेक्षक उद्यान रफीक अहमद कुरैशी ने किसानों को फसल संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्याज की पौध रोपाई का उपयुक्त समय मध्य जनवरी तक अनुकूल है। समय पर प्याज रोपाई को महत्व देना चाहिए ताकि फसल का वांछित उत्पादन प्राप्त हो। राजधानी के बस्ती उपखंड में कई वर्षों से बिन पानी खेती के लिए तरस रहे किसानों के लिए राहत की खबर है, जहां एक युवा किसान ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है। डाक विभाग में कार्यरत दीपचंद शर्मा ने ग्राम पंचायत फालियावास में सफलतापूर्वक मशरूम की खेती की है। किसान दीपक का कहना है कि उसे जब भी समय मिला उन्होंने खेती में नया प्रयोग किया और इसी के तहत उन्होंने मशरूम की खेती की, जिसका उन्हें अच्छा बाजार भाव मिल रहा है। और साथ ही सबसे प्रमुख बात यह है कि इसकी में जमीन पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, धीरे धीरे इस खेती से आसपास के किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। मशरूम की खेती किसानों के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मशरूम की खेती के को करने के लिए जैसे कि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के पास में जमीन की समस्या है, उनके पास जमीन नहीं है, छोटे किसान हैं, और बहुत सारे इलाकों में पानी की समस्या तगड़ी आ चुकी है, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो बिना ऐसे समय में मशरूम की खेती को अपना करके हम अपनी आमदनी को यथास्थिति रख सकते हैं, यथास्थिति नहीं उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।